राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब राजस्थान में 2020 में सरकार पर संकट आया तो उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी सरकार जब संकट में थी तो वसुंधरा और कैलाश मेघवाल की वही राय थी कि इस तरह सरकार नहीं गिरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मेरी भावनाओं को प्रकट करता हूं, उसमें कई तरह के फ्लेवर लगा दिए जाते हैं। टिकट वितरण को लेकर मतभेद से हुए इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं, हम सारे मतभेद भुला चुके हैं, पायलट के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं, मैंने एक भी को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनता और बनना भी नहीं चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं कही जा सकती। जिस प्रकार जुडिशी पे दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसके मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने सिर्फ, जब शुरुआत हुई थी तो मेरे को उचित नहीं है मैं जाके मिलूँ उनसे। और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी, प्रीमियर एजेंसियाँ देश की है। ये जुडिशी का इम्पोर्टेंस है, जुडिशी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर, तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस।